पवनू तुमने शुरू किया, मैंने 10 दे दिया था। बिल्कुल मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने फुल मार्क्स दे दिए थे क्योंकि तुमने इतना पक्का सुर लगाया था। और ये निहाल, तुम्हारी टोनल क्वालिटी ऐसे खिल के आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जेन्युइनली एक परफेक्ट फाइनल जो रिकॉर्डिंग होती है नेहा की आवाज के साथ, तुम दोनों की वॉइस ऐसे खिल रही थी, अनबिलीवेबल। थैंक यू सर। आप दोनों ने नेहा कक्कड़ के साथ मौसम बदल दिया। इंडस्ट्री
इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं नीतू जी की भतीजी करिश्मा कपूर उर्फ लोलो। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मदर इंडिया का वर्ल्ड फेमस विलन था लाला। ट्रिपल एचआर जिस कॉमिक कैरेक्टर के लिए मग्गे में कूद कर अपनी जान दे सकते हैं वो है लुलू। फेमस विलन अजीत की फेवरेट चमची जिनसे वो कहते थे डोंट बी सिली थी लिली। जब लोलो लाला लिली और लुलू इतने फेमस हो सकते हैं तो इनसे क्या कम है वो जो उठाते हैं कई किरदारों का बोझ ऑन हिज घमेले। लोलो लाला लिली लुलू सीरीज के आखिरी अवेंजर लेले नचिकेत लेले। और उनके साथ आ रहे हैं सिंगर विद 100% रोमांस एंड 0% ग्रंजिश मोहम्मद दानिश। बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी आला है यारों से जुदा। बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। बचना दुश्मन अपनी आता है यारों से जुदा। बचना है हसीनो लो मैं आ गया। बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी आता है यारों से जुदा। क्या इशारा बदला
को किया तूने क्या इशारा। अच्छे दानिश, बहुत अच्छे नचिकेत, मजा आ गया। मेरा फेवरेट है ये छूकर मेरे मन को। इसकी मेलोडी इज सो ब्यूटीफुल, वो जब भी सुनो ना इट काइंड ऑफ छू जाता है। बाकी योर परफॉर्मेंस, मैं तो यही सोच रही हूँ कि आप लोग कैसे जज करते हो यार, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू। और बचना हसीनो, माय गॉड, बचना हसीनो इज एक्चुअली आइकॉनिक मेरे लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने गाया, फिर मेरे बेटे ने गाया। जो मेरे बेटे ने गाया और जो पहले वाला गाना था उसको और भी ऊंचाई पे ले गए मिस्टर रिशम। और भी ऊंचाई तो नहीं, और भी ऊंचाई नहीं बोल सकते हम, बस पंचमदा के पैर छू रहे थे। बट यू टुक इट टू अ डिफरेंट लेवल। आई मीन द थिंग्स यू एडेड एंड इट वाज समथिंग एल्स, इट वाज आउटस्टैंडिंग। मैम, छूकर मेरे मन को याराना फिल्म से है, और ऐसा सुना है कि इसमें से जो एक गाना था वो जब शूट हो रहा था तब ऋषि सर और आप थोड़े नाराज थे। नॉट नाराज जी, नाराज नहीं थे। हमारी ये शूटिंग चल रही थी कलकत्ता में। जी जी मैम। एंड कलकत्ता में वो गाना चल रहा था, सारा जमाना हसीनो का दीवाना। तो मैं पहले तो आती हूँ गाने में, बड़ा ऐसे ऐसे करके स्काफ करके आई, बड़े वक्त सो गाने को काफ़ी टाइम लग रहा था जी। और उन दिनों मोबाइल होते नहीं थे जी। सो कुछ फोन्स का कुछ लाइंस डाउन हो गई एंड आई डिडंट स्पीक टू माय बॉयफ्रेंड फॉर 2-3 डेज। हमेशा हमारे झगड़े होते थे, और झगड़े किस बात के कि तूने फ़ोन क्यों नहीं किया, आई हैव स्टक इन अ शॉट। अच्छा, योर शॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, योर शूटिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट। इस पर इतने बड़े बड़े झगड़े होते थे। सो देयर वाज़ अ सॉन्ग इन छूटा कहीं का, जीवन के हर मोड़ पे, राइट। तो गाने में हम लोग डांस कर रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं, पर एक्चुअली वी हैड ब्रोकन अप। और मैं मेकअप रूम में रो रो के, बुरी हालत थी, मेरा डॉक्टर आया हुआ था, मेरे को इंजेक्शन मार रहे हैं। और फिर जब शॉट हुए, जीवन के हर मोड़ पे, और एक दूसरा सॉन्ग था जिसमें हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, वो था पर्दा है पर्दा। पर्दा है पर्दा के दौरान, हे भगवान, इतना झगड़ा। फिर लास्ट में ना जब वो लेके फूल लेके जाती है स्टेज पे और देती है, हाँ जी जी, वो जो फेंकते हैं फूल, मेरे को लगा ये फूल से ना इसके सर तोड़ दूँ। मैं अपने रोमांटिकली में देती हूँ ना, थोड़ करके मारू इसको, शहर लग रहा था मेरे। Even he was in a bad mood. अब गाना देखिए, आज लगे हम तो बस बहुत in romance है, जी बिल्कुल, like together, ऐसा कुछ नहीं था। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.